अपराधी चाहे कितने भी शातिर हो, वो पुलिस से बच सकते हैं लेकिन पत्रकार की नज़रों से कभी नहीं बच सकते। और ऐसा ही आज हम जो आपको वाक्य बताने वाले हैं, एक बड़ा घटनाक्रम अजमेर में जो हुआ और उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपको बता रहे हैं, उस रिपोर्ट को आज आप पूरा देखिएगा। ये बेहद सावधान करने वाली रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी हैं किशोर सोलंकी। किशोर सोलंकी ने 4 दिन से चोरी हुई जो एक बाइक थी, जिसकी सूचना इनके पास में थी, उस बाइक को पुलिस ने नहीं, हमारे साथी किशोर सोलंकी ने ढूंढ निकाला। और ढूंढा भी ऐसे पूरे तरकीब से, उसकी 1 घंटे तक इन्होंने रेकी की और उसके बाद जिसकी गाड़ी थी उसको बुलाया और उसके साथ पुलिस को भी सूचना दी। किशोर, ये पूरा मामला क्या है, आपने एक चोरी की गाड़ी कैसे पकड़ ली? मेरे मित्र हैं प्रतीक चावला, उनका नाम है, जिनकी गाड़ी है फैशन RJ27SB7297। मैं बस स्टैंड से घर की ओर जा रहा था तो मुझे लगा कि गाड़ी जानी पहचानी लग रही है, तो मैं रुका और मित्र को जो है फ़ोन करा मैंने और उससे पूछा कि भाई गाड़ी का नंबर क्या है। मैंने कंफर्म करने के बाद में, जब जो बंदा है गाड़ी लेकर आया था वो कचड़ी मस्जिद की ओर जाता है तो मैं उसका पीछा करता हूँ। जब वह नमाज़ पढ़ने जाता है उसके बाद में हम उसकी रेकी करते हैं। उसके बाद में जब वो गाड़ी के पास में आता है तो हम उससे बात करते हैं, हम उससे पूछते हैं गाड़ी उसके पास में कैसे ही, तो उसने बड़ा जो है अचंभा जो है उसका जवाब दिया। उसने बताया कि मैंने कल ही इस गाड़ी को ख़रीदा है, जहाँ पिछले 4 दिन से जो गाड़ी है चोरी हो रखी है और उसने 1 दिन पहले ही गाड़ी को ख़रीदा था। अच्छा, एक बात और समझ में आ रही थी, जब आपने उसको पकड़ा और हम भी, आप MTTV इंडिया उस वक्त आपके साथ था, तो वो जो शख्स था जिसके पास ये गाड़ी थी चोरी की, वो ये कह रहा था कि उसके पास RC है, तो शुरुआती दौर में ये दिखा कि एक गाड़ी की दो RC हो सकती हैं और उन्होंने भी कहा कि RC आ गई है, लेकिन मामला जब यहाँ पर आया तो उसके बाद मालूम कुछ और ही पड़ रहा है, उस मामले से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मामला ये है कि घुघरा घाटी पर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसका नंबर है 4597 करके, और दूसरी गाड़ी भी वहीं खड़ी होती है। जो TVS का कर्मचारी है वह अपनी गाड़ी 4597 वहाँ खड़ी करता है और शायद जो जानकारी मिली है वो नशे में रहता है और वो उस गाड़ी के बजाय दूसरी गाड़ी उठा कर ले जाता है। ये गाड़ी जो है उसमें TVS कंपनी में खड़ा करता है वो कर्मचारी, उसके बाद TVS कंपनी द्वारा किसी को 10,000 में बेच दी जाती है। तो वो जो मित्र की गाड़ी है वो 3 जगह घूमी है जिसको 10,000 में उसने खरीदा है। यानी कि 4 दिन में वो गाड़ी 3 जगह बिक गई। बिल्कुल, पुलिस में FIR दर्ज हो रखी थी उसकी। FIR दर्ज हो रखी थी, कंप्लेंट जो फ्रेंड है मेरे प्रतीक चावला, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उसके बाद भी जो कंपनी की जो गाड़ी है वो पिछले 4 दिनों से घुघरा पे खड़ी है, जिसको अभी लाया। वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जो गाड़ी वहाँ पर 4 दिन से खड़ी थी, जिसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उस गाड़ी को वहाँ से नहीं उठाया, क्या वो गाड़ी अब आ गई है? बिल्कुल, अब थाने पे पहुँच गई गाड़ी जो पिछले 4 दिनों से घुघरा घाटी पे खड़ी थी। घुघरा घाटी पे ही खड़ी थी। अब बेहद दिलचस्प, इसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरे साथी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ हैं, वो आपको पूरी बात बताएंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है अजमेर शहर में उन उपभोक्ताओं के लिए जो अपने वाहनों की सर्विस के लिए जो डीलर्स होते हैं वहाँ पर गाड़ियों को रख देते हैं। तो ये इसलिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी सर्विस सेंटर से चोरी होती है। हिमांशु, ये गाड़ी जो है कहाँ से बदली, कैसे बदली और ये किस जगह का पूरा मामला, कौन सा ये शोरूम है जहाँ से ये सब कुछ बदल गई है, गाड़ी एक्सचेंज हो गई है और गाड़ी एक्सचेंज होने के बाद में चोरी की FIR दर्ज हो गई, गाड़ी कहीं और मिलती है? देखिए, एक ये जो मामला आया था इसमें गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, तो उस गाड़ी को जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी उनके मित्र ने उसको ढूंढ निकाला। उसके बाद जब ये मामला पूरा सामने आया तब पता चला जो बंदा उस गाड़ी पे बैठा था उसने बताया कि मैंने ये TVS शोरूम से ये गाड़ी खरीदी है। तो TVS शोरूम में जब पता करा इस पूरे मामले को, तो TVS शोरूम पे किसी दूसरे शख्स ने, एक दूसरा शख्स है वो अपनी पैशन प्रो गाड़ी वहाँ पर खड़ी करके गया था कंपनी के अंदर, कंपनी का कोई एम्प्लॉई वहाँ से वो गाड़ी लेके एक निजी अपने कार्य के लिए गया और वहाँ से वो गाड़ी तो छोड़ के और उसकी बदली जो दूसरी गाड़ी जिसकी रिपोर्ट लिखाई हुई थी वो गाड़ी उठा के कंपनी में ले आया और 3 से 4 दिन तक वो गाड़ी कंपनी के अंदर ही चलती रही। उसके बाद कंपनी की, ये बेहद हास्यास्पद नहीं है कि सुशील पाल एक गाड़ी को सर्विस सेंटर पे छोड़ने जाता है, उस डीलर का एक एम्प्लॉय मेरी गाड़ी को ले जाकर हिमांशु की गाड़ी वापस ले आता है। क्या इसकी रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई, CCTV कैमरा चेक नहीं हुए और गाड़ी बिक भी जाती है, सबसे बड़ी बात है वो गाड़ी। देखिए सुशील, हर गाड़ी जो भी कंपनी के अंदर जाती है इन और आउट की उसकी मेंशन होता है, रजिस्टर पूरा बकायदा मेंशन होता है, उसके बावजूद भी इसमें जो मेंशन हुआ उसके बाद पता नहीं कैसे वो दूसरी गाड़ी लेकर आ गया, 4 दिन तक खड़ी भी रही, उसके बाद उस गाड़ी की डील भी फिक्स हो जाती है और वो गाड़ी दूसरी जो जो खरीदार है उसको वो गाड़ी दे दी जाती है
और इसके अंदर कंपनी का मतलब कंपनी उस गाड़ी कह रही है कि हमें उसके बारे में पता नहीं था, जबकि उस कंपनी ने उसके पेपर्स देखे बिना उस गाड़ी को डील भी कैसे कर दी। यानी कि बिना आरसी देखे कंपनी ने गाड़ी भी बेच दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कंपनी, जबकि एक एक कागज चेक करने होते हैं, उसके बावजूद बिना आरसी देखे वो गाड़ी बेच दी जाती है, जो कि एक चोरी की गाड़ी होती है, जिसकी ऑलरेडी एक थाने के अंदर उस गाड़ी के मुकदमा दर्ज होता है चोरी का, उसके बावजूद वो गाड़ी बेच दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो ये एक मैं एक हमारे जो जो भी कस्टमर्स हैं जो गाड़ी अपनी सर्विस पर देने जाते हैं उनसे एक मेरा निवेदन है, जब भी वो अपनी गाड़ी की सर्विस करने जाएं तो बकायदा पूरा एक तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि जो गाड़ी सर्विस पर आती है वो वहाँ के एम्प्लॉय निजी काम से उस गाड़ी को ले जाते हैं। कभी कोई हादसा अगर उस गाड़ी से होता है तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे, क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी आपके नाम पे है तो सारी जिम्मेदारी आप ही की बनेगी। तो कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दें, गाड़ी आप सर्विस पर दें तो एक बाकायदा से एक हर चीज़ लिखित में ले लें और टाइमिंग पूरा बाकायदा उस पर देखें और उस हिसाब से गाड़ी को। अच्छा, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर सेम नंबर की गाड़ी अगर बिकती हो तब तो ये हो सकता है कि कंफ्यूजन हो गया हो, लेकिन अलग अलग नंबर की गाड़ी अगर बिकने लग जाए बिना आरसी के तो अचंभा तो होना पड़ेगा। और कंपनी के डीलर, जो टू व्हीलर कंपनी के डीलर हैं, अगर वो इतनी बड़ी गलती करने लग जाएं तो फिर आप सोचिए कि आखिर उपभोक्ताओं के हित की बात करेगा कौन। पीड़ित है हमारे साथ जिन्होंने 4 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिनकी गाड़ी को आज हमारे सहयोगी किशोर ने ढूंढ निकाला है। अच्छा, ये बताइए, गाड़ी की रिपोर्ट आपने दर्ज करा दी थी, है ना? ये एक गाड़ी और जो है, जो जिस जगह बताई जा रही है, इसमें आपको मामले में गलती किसकी दिख रही है, कंपनी की गलती है, कैसे आपकी गाड़ी बदल गई? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि फ्रॉड कंपनी का हुआ, लेकिन हम इसे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हमारी गाड़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी और हमें किसी थर्ड पर्सन के द्वारा पता पाया गया कि साहब ये गाड़ी तो यहाँ घूम रही है। अब जब हमने उस गाड़ी के पूछा भाई कैसे है, तो उसने लंबी चौड़ी कहानी बताई, तो वो तो ठीक है अपनी जगह पर है, मगर फ्रॉड कंपनी की वजह से हुआ, लेकिन परेशान हम हुए हैं। तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी थोड़ी संदिग्ध है कि उन्होंने क्या इतने दिनों में क्या करा, क्या किया। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो उस गाड़ी की भी सूचना दे दी थी कि जिस जगह से आपकी गाड़ी चोरी हुई थी वहाँ पर एक गाड़ी और पड़ी थी पिछले 5 दिन से संदिग्ध, उसकी सूचना भी आपने शायद पुलिस को दी थी। कोई कार्रवाई उस दौरान हुई? उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने सूचना दी थी कि ये गाड़ी एक लावर इस हालत में वहाँ पड़ी हुई है और आप देखें इसके, तो उसके मैंने बाकायदा सारे नंबर वगैरह नोट करवाए हैं, परंतु स्थिति ये थी कि आज जब मुझे मेरी गाड़ी प्राप्त हुई है तो यानी कि 4-5 दिन बाद, तब तक ये गाड़ी वहाँ की वहीं खड़ी हुई थी, वहाँ से हिली तक नहीं। तो होना ये चाहिए था कि थाने वाले इसे उठा करके जब्त करके लाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ये शायद कंपनी वाले खुद ही इस गाड़ी को उठा के लाए। बिल्कुल, आज कंपनी वाले खुद गए और खुद उस गाड़ी को उठा करके यहाँ थाने पर लेके आए। बेहद दिलचस्प बात ये भी है कि जब हम डीलर के मैनेजर से बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि गाड़ी आखिर ऐसे कैसे बदल गई और आपके शोरूम से गाड़ी बिक कैसे गई, इसके कोई भी सवालों के जवाब देने से मैनेजर बच रहे हैं। मैनेजर कौन है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए आप, इन्होंने अपनी जवाबदेही नहीं समझी है। हिमांशु, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं खड़े होते हैं क्या? ऐसे मामले आते हैं, मान लीजिए शोरूम से कोई गाड़ी ले जाके 5 मिनट के अंदर कोई बड़ा घटनाक्रम अंजाम दे देता, कौन होता उसका जिम्मेदार? क्या पुलिस को तुरंत प्रभाव से जिस एक गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि वो गाड़ी पिछले 5 दिन से संदिग्ध अवस्था में घुघरा घाटी पर खड़ी हुई है, आखिर क्यों सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा? देखिए, जिस गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी उस गाड़ी को जो आज ढूंढ निकाला है वो भी एक हमारे पत्रकार साथी ने निकाला है, पुलिस ने नहीं करा। पुलिस तो जब हम लोगों ने उसको पकड़ लिया उसके बाद मौके पे पहुंची थी और पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त करा जो चोरी हो चुकी थी। और एक बात और, जो दूसरी गाड़ी 6 दिन से लावारिस हालत में पड़ी है, उसकी जबकि सूचना पुलिस को दे दी गई थी कि वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है लावारिस, उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त नहीं किया। आज जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब कंपनी के ही एम्प्लॉई उस गाड़ी को थाने लेकर आए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उस गाड़ी को जबकि जब्त कर लेना चाहिए था, जब वो गाड़ी लावारिस खड़ी है इतने दिन से तो उसको जब्त करना चाहिए था। और जो दूसरी गाड़ी जो है वो दूसरा जिस बंदे को बेच दी गई है वो चला रहा है, या उससे अगर कोई घटनाक्रम या उससे कोई जो भी अपराध हो जाता है तो जिम्मेदारी तो जिसकी गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड उसी की होती है। तो कंपनी को बिना आरसी लिए बिना आरसी दिए ऐसे गाड़ी बेच कैसे सकती है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी उस गाड़ी को कैसे बेच सकती है। ऐसे डीलर्स पे कार्रवाई, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को सख्त वो करना चाहिए। बहुत गंभीर ये बात है और उपभोक्ताओं के हित की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी डीलर के पास अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए ले जाएं,
तो नंबर प्लेट से लेकर जो चैसिस का नंबर है आपकी गाड़ी का, उसको भी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा वाकया आपके साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, डीलर की आप ट्रांसपेरेंसी को, डीलर के यहाँ के सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझें कि क्या वाकई जब आप अपनी गाड़ी को छोड़कर उसके पास जाते हैं सर्विस के लिए, तो उसको उस जिम्मेदारी के साथ वो रखता है या नहीं रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी डीलर का कोई कर्मचारी 2 मिनट के काम से आपकी गाड़ी को कहीं और ले आता हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है और उसी गाड़ी से कोई बड़ा घटनाक्रम अगर अंजाम दे दिया जाता है, तो फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल या निशान है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।